Hello everyone, hope you all are doing great at your home. This is video for grade 2 subject EVM. So as we discuss in our online sessions about the chapter number 2, human body part, in that chapter what we have discussed? We have discussed the different body parts. We have labeled our different body parts like head, mouth, elbow, ears, cheeks, arms, hands, feet and knees. These all are the our body parts, and some different body parts which is not mentioned here, but there are a different body parts are there. Now, what kind of help they are doing for us. मतलब वो बॉडी पार्ट्स हमें कैसे यूज करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं. तो वी आर डिस्कसिंग इन आवर चैप्टर दैट हाउ आर बॉडी पार्ट्स हेल्प अस, लेग्स हेल्पिंग अस टू वॉकिंग, किक, क्लाइंब, रन, जॉग, डांस एंड स्किप. एंड वी हैव आल्सो वॉच सम इमेजेस ऑफ दैट, सम एक्टिविटीज, वॉक, डांस, स्किप, किक एंड हॉप. This all activities we have discussed in the last video. Then we have discussed about the hands, how hands can help us to write, to eat, to hold something. Now, in the online session, we have also discussed some activities like we use our shoulders and back to carry things. Like you can see in the image, the girl is holding the different type of bags with the help of her hands and shoulders, and the boy which is carrying his school bag with the help of his shoulders and back. Okay, वो back पे उसका क्या है, bag रखा हुआ है, और shoulders पे the strip क्या करेगी, उसको hold करने में help करेगी. Then our knees, ये यहाँ पे एक्टिविटीज है. द गर्ल इज स्क्वाट, वो स्क्वाट कर रही है, अप एंड डाउन कर रही है विद द हेल्प ऑफ हर लेग एंड नीज. जैसे हमने बोला था कि दिस पोजिशन में बैठना, दैट इज कॉल्ड एज नी. वो किस चीज से हेल्प करेगा, विद द हेल्प ऑफ आर नीज वी कैन एबल डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्दर मोर सम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. लेट्स स्टार्ट. Our neck help us to turn our hand from side to side. हमारी जो neck है वो क्या करेगी, हमारे head को side to side. You can able to see the things which is put in the right side. आप right side पे भी देख सकते हो, आप left side पे भी देख सकते हो with the help of your neck. Neck क्या करेगा, आपकी neck जो है आपके head को side to side turn करने में क्या करेगा, help करेगा. Then we are going to discuss about the sense organs. We have 5 sense organs: eyes, nose, ears, skin and tongue are our sense organs. Let's discuss in detail about it. Okay, now sense organs. Sense मतलब क्या, एक feeling होती है. हमें कुछ देखने से, कुछ सुनने से, कुछ smell करने से हमें एक feeling आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंस बोलते हैं. और ऑर्गन्स मतलब क्या, हमारा बॉडी पार्ट, मतलब जो सेंसेस हैं उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं. तो लेट्स डिस्कस, वी हैव 5 सेंसेस. लाइक वी हैव 5 फिंगर्स, लाइक वाइज वी हैव 5 सेंसेस. 5 सेंसेस कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोग्राफ पे, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, sense of smell, smell and sense of sound. हमारे क्या है, 5 senses हैं. कौन से, sight, taste, touch, smell and sound. वो क्या है, हमारे 5 senses हैं. अब ये senses हैं और उस senses के related हमारे पास क्या है, organs हैं, different organs. यहाँ पे लिखे गए हैं organs, you can see. मैं आपको दिखाती हूँ, let's see the ओके. आईज किसके लिए यूज होती है, सेंस ऑफ साइट के लिए. ओके, हम आईज का यूज करते हैं देखने के लिए. साइट मतलब क्या, देखना, टू सी. देन नोज, नोज किसके लिए होता है, स्मेल के लिए. वी कैन यूज आर
nose only, smell of different things. Then ears किसके लिए रखे होते हैं? Sound के लिए. We can hear different type of sound with the help of our ears. Then skin किसके लिए होती है? Touch के लिए. आप hands को touch करोगे किसी surface को या किसी चीज को आप touch करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो चीज क्या है, वो thing क्या है, वो smooth है, रफ है, या ये स्क्वायर है, सर्कल है. यू कैन आइडेंटिफाई बाय द टच ऑफ दैट थिंग. तो आप थिंग को टच कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ योर स्किन. देन टंग क्या हेल्प करती है? टंग हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट के लिए हमारे क्या यूज करते हैं? टंग यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट एवरी सेंस ऑर्गन. दिस इज 5 सेंसेस एंड दिस आर ऑर्गन्स. यहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ. या ये सारी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो. ये क्या है? ये सेंसेस है. दिस ऑल आर सेंसेस. साइट, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच. दे ऑल आर दी सेंसेस. बट दीज ऑल आर, यहाँ पे मैं जहाँ पे क्रॉस कर रही हूँ ना, दे आर ऑर्गन्स. वो हमारा बॉडी पार्ट है. देखो, आईज है, दैट इज बॉडी पार्ट. और साइट क्या होगा? साइट मतलब क्या? देखना. तो आईज, विद द हेल्प ऑफ आर आईज वी कैन सी द थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. सो वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आर आईज. तो आईज क्या हो गया? ऑर्गन. देन नोज. नोज क्या है? ऑर्गन है. वी कैन स्मेल विद द हेल्प ऑफ आर नोज. तो नोज क्या है? सेंस ऑफ ऑर्गन, मतलब ऑर्गन है. और स्मेल क्या है? सेंस है. देन ईयर्स. ईयर्स इज द ऑर्गन एंड हियर. हियर इज द सेंस. देन टंग. टंग क्या है? सेंस ऑर्गन है. और टेस्ट क्या है? सेंस. देन वी हैव स्किन. स्किन क्या है? हैंड्स क्या है? हमारा सेंस ऑर्गन है. एंड टच क्या है? सेंस. ओके, सो वी हैव 5 सेंसेस एंड डिफरेंट सेंसेस हैव डिफरेंट 5 ऑर्गन्स. सो वी आर यूजिंग आवर आईज टू सी डिफरेंट थिंग्स. वी आर यूजिंग आवर हैंड्स टू टच द डिफरेंट थिंग्स. And tongue, which is used for different type of taste. And likewise, we have 5 sense organs. Let's discuss first the nose. So nose help us to smell. Smell can be good or bad. हम क्या कर सकते हैं? Nose से smell ले सकते हैं. Smell या तो अच्छी भी हो सकती है, या कुछ smell क्या हो सकती है? बुरी भी हो सकती है. So there are 2 type of smell, good or bad. So nose क्या करेगा? Smell करने के लिए help करेगा. Then next, eyes. Eyes help us to see. We can see the size, shape and color of the things. क्या कर सकते हैं eyes से? आप ये video देख रहे हो, आप video किस चीज से देख रहे हो? अपनी आंखों से देख रहे हो. So you are using your eyes to watch this video and you are using your ears to hear my voice. आपको ये explanation सुनाई दे रही है because you are using your ears, eyes. ओके, सो आई से क्या कर सकते हैं? आप ये फोटो देख सकते हो, आप ये पिक्चर देख सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ. और यहाँ पे जो लिखा है, यू कैन एबल टू सी, तो वो कैसे देख सकते हो? विद द हेल्प ऑफ योर आईज. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ईयर्स. ईयर्स हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड्स. कुछ साउंड्स बहुत लाउड होते हैं, लाउड मतलब बहुत जोर से आते हैं. और कुछ जो साउंड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब कुछ धीरे से आते हैं. So we can hear different type of sounds with the help of our ears. Let's see. You can hear the buzzing of the bee. Jo bee buzzing karte hain, we can able to listen, hear. Then yahan pe drum bajta hai, to we can hear. Then yahan pe radio baj raha hai, music bajta hai. Aur birds are singing. To un sare sound hum kaise sun sakte hain? We can using our ears. So up to this, we are going to end our session here. In this video, we have discussed about the 3 sense organs. Sense matlab kuch feel hona, aur organs matlab different body parts. So we have discussed 5 sense organs.
And in 5 sense organs, we have detail. We have discussed in detail about 3 sense organs: ears, eyes, and nose. Other 2 sense organs we have discussed in the next session. Thank you.